तो दोस्तों आज का जो मॉडिफाई हम आपको दिखाने वाले हैं, ये मॉडिफाई दोस्तों इसका वीडियो हमने बना रखा है पहले, लेकिन इसका वीडियो जो है वो 17 मिनट का बना था, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था और आप लोगों ने उसको पूरा नहीं देखा था। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम इसको पार्ट बाय पार्ट हमने 3 पार्ट किया है और 2 पार्ट का हमने अपलोड कर दिया है। वो वीडियो भी आपने बहुत ज़्यादा देखा, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया और फाइनली जो है यहाँ पर हम उसका 3रा पार्ट यहाँ पर लेकर के आए, जो कि इसमें जो है एकदम शॉर्ट में हमने सिर्फ मॉडिफिकेशन दिखाया है और इसको कैसे हमने वर्क किया है स्टेप बाय स्टेप यहां पर शॉर्ट में दिखाया है। तो आपको बताते हैं कि ये बाइक बिल्कुल पुरानी थी, यहां पर आप देख पा रहे हैं बाइक का जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इसी कंडीशन में ये बाइक थी, लेकिन इसको हमने जो है मेड ब्लैक करके इसको पूरी तरह से रेपिंग किया है और पूरी तरह से मेड ब्लैक करके और फिर इस पर ग्रीन का डिजाइन बनाया। और दोस्तों आपको बताते हैं कि ये जो मॉडिफाई है, ये आपके दिमाग में आता होगा कि ये क्या लीगल है या फिर इलीगल है। आपको वीडियो के दौरान में आपको बता देंगे कि ये मॉडिफाई लीगल है फिर इलीगल है या फिर कौन सी मॉडिफाई लीगल होती है, सारे डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो बाइक आप देख पा रहे हैं, ये बाइक को हमने फुल्ली जो है यहाँ पे रैप किया है। इसका कलर जो है पहले ग्लोसी ब्लैक था लेकिन पूरा ख़राब हो चुका था, जो कि यहाँ पे वीडियो के शुरुआत में आप हमने आपको दिखाया। इसका कलर जो है निकालते हुए, इसके स्टिकर निकालते हुए दिखाया कैसे बाइक पूरी तरह से खटारा हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर इस बाइक में हमने फुल्ली जो है यहाँ पर मेड ब्लैक का रैप किया है और इस पर एक डिजाइनिंग कर रहे हैं। हालाँकि इस बाइक का जो है फुल वीडियो लगभग 17 मिनट का बना हुआ था, जो कि हम अपने चैनल पर अपलोड कर रखे है और बहुत सारे लोगों ने देखा भी है इस वीडियो को, लेकिन शायद पूरा नहीं दिखा होगा, लेकिन उसमें हम जो है पूरा जो है डिटेल्स नहीं दिखा पाए, चूंकि 17 मिनट में भी वो कम पड़ गया था और आप लोगों को 17 मिनट भी ज्यादा लग रहा था। इसलिए दोस्तों इस बाइक को फिर से जो है इस मॉडिफाई को फिर से हमने इसमें 3 पार्ट बनाया है, 2 पार्ट इसका अपलोड कर दिया है और ये 3रा पार्ट यहां पर दिखा रहे फाइनली। दोस्तों आपको बता दें कि हमने बात किया लीगल और इलीगल का, तो दोस्तों इससे पहले कल भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी थोड़ा सा लीगल इलीगल के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं, जो हमने कलर चेंज किया है, इसके बारे में बताना ज़रूरी है कि ये लीगल है या फिर इलीगल है। हालांकि कल जो हमने बताया था कि जो अगर आपकी बाइक ब्लैक है और ब्लैक कलर का आप रैप चढ़ाते हो तो वो लीगल कहलाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी ये बाइक ब्लैक थी और इसको हमने ब्लैक ही रैप चढ़ाया है, लेकिन फिर भी ये इलीगल हो जाती है। हालांकि स्टिकरिंग आप कोई भी कलर का कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वो लीगल होता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाइक की जो कलर है वो कलर से अगर कलर को आप चेंज करते हैं तो वो इलीगल हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये ब्लैक बाइक थी और ब्लैक का ही रैप यहाँ पर चढ़ाया है, लेकिन फिर भी ये बाइक इलीगल है। ब्लैक बाइक थी और इस बाइक को हमने ब्लैक ही किया है, फिर भी ये जो है इलीगल है, वो क्यों आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी कलर का आप बाइक खरीदते हो दोस्तों, वो कलर जो है आपके RC पेपर पे मेंशन किया हुआ रहता है और जो उनका कंप्यूटर होता है उनमें जो दस्तावेज होते हैं, जो पूरे डिटेल्स होते हैं, उनमें जो है पूरी तरीके से डिटेल्स से मैंसन किया हुआ रहता है, जबकि RC पेपर में उतना ज़्यादा मैंसन नहीं किया हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों आपको बताते कि ये जो बाइक थी दोस्तों, ये ग्लोसी ब्लैक में थी और यहां पर हमने इसको ब्लैक किया है, लेकिन इसको ग्लोसी नहीं करके इसको हमने मैट किया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो बाइक थी ग्लोसी ब्लैक में थी और हमने इसको मैट ब्लैक में किया है, बस इतना सा फर्क हुआ है, ब्लैक तो है लेकिन ये ग्लोसी नहीं है, मैट है, इसलिए दोस्तों यहां पर ये इलीगल हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जब भी जो भी अगर आप कलर चेंज करें या फिर बाइक का कलर ही करें, तो जो कलर की बाइक होती है अगर मैट है तो मैट ही कराए, अगर ग्लोसी है तो ग्लोसी ही कराए, तो ही वो लीगल कहलाएगा। हालांकि इसमें मेट ब्लैक के साथ ये ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए हमने ये दिया है, लेकिन इसमें इलीगल सिर्फ ये हो जाता है कि इसको हमने मेट कर दिया है। हालांकि ये ग्रीन कलर का जो स्टिकर है इसमें कोई उतना ज़्यादा पकड़ नहीं है, ये आप कर सकते हैं, ये ओवर स्टिकर ज़्यादा नहीं है, मतलब बॉडी स्टिकर जो भी है उसमें कोई भी मैंसन पेपर पर नहीं किया हुआ रहता है, कोई भी RC पेपर पर जो है आपका बॉडी स्टिकर का मैंसन नहीं किया हुआ रहता है, इसलिए आप स्टिकरिंग करा सकते हैं, लेकिन जो बाइक का कलर है उसको वही कलर में रहने दीजिए और बाकी स्टिकरिंग का कलर कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका लीगल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये मॉडिफाई कंप्लीट हो गया है और काफ़ी स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है, और हालांकि ये बाइक में हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था और ये बाइक बिल्कुल पूरी तरह से जो एकदम खटारा थी, बिल्कुल पुरानी थी, लेकिन इसको हमने न्यू कर दिया है और इसका जो कलर हमने यहाँ पर न्यून कलर कर दिया है। इसका लाइफ दोस्तों ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता दूँ, हालांकि
है कि बहुत लोग नहीं बताते, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो नियॉन कलर का हमने दिया है ये फ्लोरोसेंट है, लेकिन इसका कलर बहुत जल्दी चला जाएगा। और ये हमने इसलिए दिया क्योंकि जो कस्टमर थे उनका डिमांड था कि यही कलर में आप इसका डिज़ाइनिंग कीजिए। हालाँकि इसमें जो मेट ब्लैक हमने इंस्टॉल किया है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है और काफ़ी मजबूत है, और इसका कलर भी नहीं जाएगा और इसका जो गम है वो भी लंबे समय तक टिका रहेगा। और इसका जो थिकनेस है दोस्तों मेट ब्लैक का वो भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 200 माइक्रोन के आसपास का थिकनेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और दोस्तों एक बात और बता दें कि अगर आप अपने बाइक न्यू बाइक है और उसमें आप अगर आप लेमिनेशन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि लेमिनेशन लीगल है या फिर इलीगल है। दोस्तों जो अगर आप न्यू बाइक है और न्यू बाइक में आप लेमिनेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो वो आपका लीगल है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, आपकी बाइक की जो कलर है बस उसी कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो लीगल है। लेकिन दोस्तों अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप जो है RC पेपर पर उसको चेंज करा लीजिए, पहले RTO से परमिशन ले लीजिए, उसके बाद आप कराइए। इसका नियम हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं दोस्तों। कलर चेंज करने से पहले आपको अपने RTO में जाकर के वहाँ से परमिशन लेना होता है, जो कलर आप कराना चाहते हैं वो सिंपल लेकर के आपको वहाँ जाना होता है, वहाँ पे आपको पास कराना होता है, वहाँ से आपको अप्रूवल मिल जाता है, फिर आप जाकर के अपने बाइक में कलर चेंज कर लीजिए और फिर फाइनली जो है RTO में जाकर के उसका जो है दस्तावेज जो है वहाँ पर चेंज करा लीजिए, ये होता है लीगल तरीका। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम एल्युमिनियम पेंट लगा रहे हैं, लेकिन आपके साथ अगर ऐसा समस्या है तो आप जो है स्प्रे पेंट खुद से ना मारे, आप पेंटर के पास जाके करवाए, क्योंकि उन लोगों का पेंट ज़्यादा अच्छा होता है, ये जो स्प्रे पेंट होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसमें भी बेस्ट क्वालिटी होती है, जो कि यहाँ पर हम मार रहे, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप पेंटर पास जाके करवाए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।